नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक और जहां सभी स्कूलों में बच्चों ने अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुए उनसे आशीर्वाद लिया, वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन माधवगंज सरकारी स्कूल का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। यहां कम उम्र के बच्चे हाथों में कुल्हाड़ी लेकर स्कूल के परिसर में खरपतवार को तोड़ने में लगे थे। जब मीडिया के कैमरे की आंख खुली तो वहां मौजूद शिक्षक हड़बड़ी में बच्चों को ही डांटने लगे, मीडिया कर्मियों से भी ठीक ढंग से बात नहीं की, जो खुद को पाक साफ बताने में लगे रहे। अगर बच्चों ने ही शिक्षकों का सम्मान रखते हुए उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कैमरे में बच्चों द्वारा किए जा रहे कार्य स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अंदर बैठी हुई ना, उनसे अच्छा, बात कर रहे हैं। यहाँ बच्चों से पेड़ लगवा रही थी मैडम। जो बच्चे अभी आग में पेड़ डाल रहे हैं, काट रहे हैं, जो कूड़ा कचरा में बच्चे जो कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। कचरा में नहीं है, हम लोग सब खड़े हुए हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्षारोपण नहीं, अभी हम सामने तो आप भी देख रहे थे। बच्चों से कुल्हाड़ी और हथिये चलवा रही है स्कूल के अंदर। बच्चे खुद अपना उत्सुकता बस बच्चे लेके इन पेड़ों की देखिए यहाँ पे। विदिशा से ब्यूरो रिपोर्ट।